और महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में बीते दिन हुए तेज आंधी बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते किसानों के सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वहीं प्रशासन किसानों के हुए नुकसान का पंचनामा नहीं करवा पा रहे हैं। किसान सरकारी नियमों के चक्कर में नुकसान भुगतने को मजबूर है। सरकारी अधिकारी भी नियमों का हवाला देकर किसानों की समस्या से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 65 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है, जिसके चलते अधिकारी नुकसान का सर्वे करने से इनकार कर रहे हैं। सरकारी नियमों का हवाला देकर अधिकारी किसानों के हुए नुकसान से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं परेशान किसान सोयाबीन फसलों को नुकसान का मुआवजा देने की लगातार मांग कर रहे हैं। किसानों को मुआवजा नहीं मिलने से परेशानी और भी बढ़ चुकी है। सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते किसानों की चिंता और भी बढ़ चुकी है। किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस तरह के नियमों को एक तरफ रखकर पीड़ित किसानों की मदद की आवश्यकता है। अगर किसानों को सरकारी नियम का हवाला देकर छोड़ दिया गया तो किसानों को कौन मदद करेगा, ये एक सवाल है। किसानों को सरकारी मुआवजे से मदद मिलने की फिलहाल आशा है। पावसामुळं आमचं एवढं अतोनात नुकसान झालेलं आहे की अजून राहिलेली सोयाबीन हातात येते का नाही हा बी भाग हे काय अपेक्षा आहे तुमच्या? शासनानं त्वरित पंचनामे करून काही ना काही मदत द्यावी आम्हाला। किती एकर शेती आहे तुमची? तुकाराम सराब आहे, माझ्याजवळ फक्त 1.5 एकर शेती आहे आणि 1.5 एकरातली पूर्ण सोयाबीन माझी वाहून गेलेली आहे।